जब पाकिस्तान काम नहीं आता तो चीन का के पिछलग्गू बन जाते हैं। पूछना चाहूंगी कि चीन पर मुंह खोलने से पहले कभी अपने आका से 3-4 सवाल पूछिएगा। स्वागत है दोस्तों, देश की राजनीति का माहौल अभी ऐसा बना हुआ है कि राहुल गांधी की सदन से निष्कासित हो तब भी बवाल, अंदर आए तब भी बवाल, चारों तरफ राहुल राहुल बस राहुल, क्या पक्ष क्या विपक्ष सारे बस एक ही नाम की रट लगाए हुए हैं, और जाहिर भी है लगाए क्यों नहीं। मौजूदा इंडिया गठबंधन का पूरा भार लगभग राहुल गांधी के चेहरे के ही इर्द गिर्द घूम रहा है, और अब तो पूरे 137 दिनों के बाद राहुल गांधी की सदन में वापसी हुई है। अब मणिपुर पर जो अविश्वास प्रस्ताव है उस पर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ही संसद में गरजेंगे, और अब देखना दिलचस्प हो गया है प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहते हैं या नहीं, और क्या रहेगा संसद भवन का माहौल, यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। खैर, इन सबके बीच कांग्रेस नेता और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी की सराहना करते हुए बीजेपी सांसद पर जमकर भड़ास निकाली। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, 137 दिनों के बाद जब राहुल गांधी सदन में पहुंचे तो ये सत्य, साहस, न्याय, लोकतंत्र और देश की जीत है। सदन राहुल राहुल और इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था, लेकिन जब सदन में उनकी वापसी हुई तो ऐसा लगा कि मानो सत्य की, न्याय की, साहस की, उम्मीद की, लोकतंत्र की, इस देश की जीत हुई है। जब वो गांधी प्रतिमा पर शीश झुकाकर सदन के अंदर गए तो सदन राहुल राहुल के नारों से गूंज रहा था और इंडिया इंडिया के नारे हर ओर से लगाए जा रहे थे। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, भाजपा के होश उड़े हुए हैं और इसलिए एक सांसद ने उल जुलूल आक्षेप लगाने शुरू कर दिए, पर हम मुद्दे से भटकने नहीं देंगे, इस देश के सामने सबसे ज्वलंत मुद्दा मणिपुर है। जब ऐसा हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी की भी एक स्क्रिप्ट तैयार थी, भला वो पीछे कैसे रहते, जो डरता है वो ये सब जरूर करता है। वहाँ के दुमछल्ले सांसद है वो उठ खड़े हुए और उन्होंने एक उल जुलूल आक्षेप लगाने शुरू किए, और वही चिरपरिचित स्क्रिप्ट, जब पाकिस्तान काम नहीं आता तो चीन का के पिछलग्गू बन जाते हैं, कुछ चीन पर बेतुकी बातें बोली। तो उस दुमछल्ले सांसद से सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि चीन पर मुंह खोलने से पहले कभी अपने आका से 3-4 सवाल पूछिएगा। वही स्क्रिप्ट अनुराग गोली मारो ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोहराई। सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी को लताड़ते हुए और भी बहुत सारी बातें कही, और ये भी कहा, मोदी जी आइएगा जरूर, कब तक भागे भागे फिरिएगा। खैर, जो भी हो, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत अच्छे से समझा देती है बीजेपी वालों को। तो आप कितना भी मुद्दे से भटकाने की कोशिश कीजिए, मतलब सरकार पर रत्ती भर इस देश के सुप्रीम कोर्ट तक को भरोसा नहीं। 78 दिन तक इस देश का प्रधानमंत्री इतनी भयावह स्थिति पर चुप रहता है और मुंह खोलता है 36 सेकंड के लिए। अब सदन में फिर से एक दहाड़ सुनाई देगी, शांति की एक अपील सुनाई देगी। सदन में राहुल गांधी बोलेंगे तो भाजपा वालों सुनना, और सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि सदन में इस देश की, लोगों की वेदना, उनकी तकलीफों की आवाज गूंजनी चाहिए। आपकी नौटंकी के लिए इस देश के पास वक्त नहीं। प्रधानमंत्री जी, अब तो बहस में आकर भाग लीजिएगा, कब तक भागे भागे फिर। लेकिन सारे देश को जिसका इंतजार है वो आज सदन में दहाड़ लगाएगा, वो है राहुल गांधी। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में। वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करें, और आपने तत्काल मीडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।